हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टॉट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर भारत के बारे में कहते हैं कि हम उन जैसे संतों को कहाँ खोज सकते हैं जिनकी फिलॉसफी प्रोटोटाइप थी, जिनकी फिलॉसफी के प्लूटो, थेल्स और पाइथागोरस शिष्य थे। मैं उन एस्ट्रोनॉमर्स को कहाँ ढूंढूं जिनका एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अभी भी यूरोप को आश्चर्यचकित करता है, साथ ही आर्किटेक्ट और मूर्तिकार जिनके काम हमारी प्रशंसा का दावा करते थे, और संगीतकार जो मन को खुशी से दुख में और आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल सकते। बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं कि हिंदू धर्म की शुरुआत 2300 बीसी से 1500 बीसी के अराउंड हुई थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही बेस मानते हैं। वहीं मेजोरिटी ऑफ हिंदू हैं जो मानते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस टाइमलेस है। कई विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जड़ें और रीति रिवाज 400 सालों से भी अधिक पुरानी है। आज लगभग 900 मिलियन फॉलोअर्स के साथ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। विश्व के लगभग 95% हिंदू भारत में रहते हैं। क्योंकि धर्म का कोई विशिष्ट संस्थापक नहीं है, इसकी उत्पत्ति और इतिहास का पता लगाना बहुत मुश्किल है। हिंदू धर्म इस मायने में अनूठा धर्म है कि यह एक अकेला धर्म नहीं बल्कि कई ट्रेडिशन और फिलोसफी का कलेक्टिव रिलीजन है। हिंदुइज्म एम्ब्रेस मैनी रिलीजन्स, इसलिए हिंदू धर्म को कभी कभी फैमिली ऑफ रिलीजन्स भी कहते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म रिकार्नेशन को भी माना जाता है, जिसमें मेन रूप से तीन ईश्वर को बेस माना जाता है। ब्रह्मा जो क्रिएटर के रूप में माने जाते हैं, विष्णु जिन्हें प्रिजर्वर यानी प्रोटेक्टर ऑफ यूनिवर्स माना जाता है, शिव जो डिस्ट्रॉयर के रूप में देखे जाते हैं ताकि रिक्रिएट किया जाए। हिंदू धर्म में भी बाकी धर्मों की तरह दो सिंबल्स को गॉडेस सिंबल माना जाता है, जो ओम और स्वास्तिक क्रॉस हैं, जिन्हें एज अ गुड लक सिंबल माना जाता है। हम किसी भी काम को करने से पहले ओम या स्वास्तिक सिंबल का यूज करते हैं। और आप लोग स्वास्तिक को नाजी सिंबल हैकेन क्रूज से बिल्कुल रिलेट मत करो, जो हिटलर ने स्वास्तिक का क्लॉक वाइज सिंबल मॉडिफाई करके होलोकॉस्ट किया, वो कोई ग्लोरी नहीं। तो आप लोग कोई भी उसको स्वास्तिक मत बोलो, उसको हैकेन क्रूज ही बोले। हिंदुइज्म में चार मेन बुक्स मानी जाती हैं, जो मुझे लगता है कि अगर आप हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उन चार बुक्स में मेनली बुक है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें उपनिषद है, 18 पुराण है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, जो एज ए हिस्टोरियन बुक्स मानी जाती है। हिंदुइज्म में भगवान यानी कॉन्शियसनेस को पाने के बहुत अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं, जिसमें मूर्ति पूजन मेन है। संगीत के द्वारा भी हम भगवान को पा सकते हैं, ऐसे ही डांस है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है। ऐसे अलग अलग हमें भगवान को, ईश्वर यानी कॉन्शियसनेस को पाने के मेथड्स बताए गए। और ऐसा कोई स्पेसिफिक मैसेज या रूल नहीं दिया गया जिससे आपको यही फॉलो करना है, इसी से आप ईश्वर को पा सकते हैं। कास्ट सिस्टम एक सोशल हायरार्की की तरह काम करता है, जो व्यक्ति कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। स्कॉलर्स मानते हैं कि कास्ट सिस्टम अराउंड 3000 ईयर पहले इंडिया में इवॉल्व हुआ था। ब्राह्मण जो स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं, क्षत्रिय जो कि प्रोटेक्टर और पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वैश्य जो एक तरह के स्किलफुल प्रोड्यूसर माने जाते हैं, शूद्र जो कि अनस्किल्ड लेबरर की तरह रहते हैं। इनमें बहुत सारी सब कैटेगरीज भी हैं। इसके बाद फिर आप जातिवाद में भी आ जाते हैं। अब तो मॉडर्न इंडिया में कास्ट सिस्टम रेयरली ही फॉलो किया जाता है, और जहां किया भी जा रहा है तो वहां पर मिसलीडिंग है। वहां पर कास्ट सिस्टम को जातिवाद के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें।